दिल्ली के केशवपुर मंडी इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर जल बोर्ड के बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। बोरवेल 40 से 50 फीट गहरा है। कल रात से 1 बजे फायर विभाग को इसकी जानकारी मिली और बच्चे के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ सहित कई टीम कोशिश में लगी है। बोरवेल के समानांतर एक और गड्ढा खोदा जा रहा है जिससे बच्चे को निकाला जा सके, लेकिन अभी तक बच्चे को नहीं निकाला जा सका। पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि ये बच्चा सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ये तकरीबन रात को 1 बजे की घटना है, 12-1 बजे की, जब ये बच्चा बोरवेल में गिरा और वहां पर लगातार कोशिश चल रही है कि इस बच्चे को बाहर निकाला जा सके। ग्राउंड जीरो से अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए अहमद बिलाल इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अहमद बिलाल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि रात की ये घटना है, इतने घंटे बीत जाने के बाद अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है उसका काम कहां तक हुआ? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं वहाँ पर, जहाँ पर ये घटना जो है वो तकरीबन रात के 1 बजे जो है वो सामने आई है, जब एक बच्चा जो है वो इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जो है वो पहुँच गया था। दिल्ली जल बोर्ड का ये प्लांट है और यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 फीट एक लंबा जो बोरवेल था वो, उसमें जो है वो बच्चा गिर गया और उसके बाद जो है मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियाँ जो है वो भेजी गई थी। फिलहाल का अपडेट ये है कि एनडीआरएफ ने जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया है। एनडीआरएफ की एक टीम जो है वो अब पैरेलली गड्ढा खोदने की जो है वो कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं यहां पर जो जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन से जो है वो गड्ढा जो है वो यहां पर किया जो है वो किया जा रहा है और जो मिट्टी है आप वो जो है वो भी यहां पर देख सकते हैं। तो कोशिश जो है, स्ट्रेटजी जो है वो यही है कि जल्द से जल्द जो है वो एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है तब से जो बच्चा है वो तकरीबन 40 से 50 फीट गहरे इस गड्ढे में जो है वो मौजूद है, जिसका व्यास जो डायमीटर है वो तकरीबन 1.5 फीट के आसपास का है। तो बहुत जो है वो चौड़ा गड्ढा नहीं है, एक पाइप, लंबी पाइप जो है वो जमीन के अंदर जा रही है। बोरवेल के लिए वो गड्ढा जो है वो खोदा गया था, लेकिन अब जो है वो एनडीआरएफ की तरफ से, एनडीआरएफ की एक टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से जो है वो ये ऑपरेशन जो है वो कराया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है वो कोशिश की जा रही है कि बच्चे तक पहुँचने की कोशिश जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की ओर से जो है वो की जा रही है। इलाके के जो आला अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कहीं जो है वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए, समन्वय बिठाने के लिए भी जो है यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं जिले के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एनडीआरएफ के जवानों को भी आप यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं एबीपी न्यूज़ के स्क्रीन पर, कि उनकी तरफ से भी जो है कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो एक पैरेलल जो है वो गड्ढा इतना इतना डीप, इतना गहरा जो है वो खोदा जा सके, ताकि जो कॉन्टैक्ट है वो जल्द जल्दी इस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है और बच्चे से कांटेक्ट करना यही अभी जो है वो फिलहाल की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि बच्चा जो है वो कहां पर है, किस हालात में है, कुछ जो है वो उसकी मानसिक स्थिति क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती हैं और हर बीतता लम्हा, हर गुजरता लम्हा, हर गुजरता सेकेंड जो है वो इस वक्त बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है जब बच्चा जो है वो यहाँ इस बोरवेल में जो है वो गिरा हुआ है। तो सबसे पहले कोशिश यही है एनडीआरएफ की तरफ से के जवान जो है, एनडीआरएफ के जवान भी जो है वो आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं और जेसीबी से जो एक पैरेलल गड्ढे की, जो एक समानांतर गड्ढे करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है और तकरीबन उतना ही गहरा गड्ढा जो है वो यहाँ पर खोदा जाएगा जितने गहरे गड्ढे में जो है वो बच्चा जो है वो गिरा हुआ है। और कोशिश यही होगी कि जब समानांतर एक गड्ढा जब वो खोद दिया जाएगा तो उसके पैरेलल में जो है वो एक कोशिश यही की जाएगी कि उसके पैरेलल जो है वो एक और गड्ढा खोद करके वहां तक जो है वो पहुंचा जाए। तो अभी फिलहाल का अपडेट यही है कि एनडीआरएफ ने इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो टेक ओवर कर लिया है और यहाँ पर एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और जेसीबी मशीनें भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जेसीबी मशीनों से जो गड्ढे खोदने का काम है वो यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की ओर से जो है वो किया जा रहा है। आपकी कोई बात हो पाई है ये एनडीआरएफ की जो टीम है इनसे या किसी अधिकारी से कोई बात हो पाई है कि जो पूरा प्रोसेस है इसमें समय कितना लग सकता है, क्योंकि जैसा आपने अभी अभी कहा कि एक एक मिनट बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो कितना समय और लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में?
हाँ बिल्कुल, देखिए हर गुजरता लम्हा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो यही है कि जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। कोई अधिकारी जो है वो जितने एनडीआरएफ के जो जवान हैं, जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं, वो अभी साइट के अंदर हैं और जो है वो लगातार जो है वो किस तरीके से कितनी जल्दी जो है वो ये गड्ढा एक पैरेलल जो है वो खोदा जा सके इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अभी जो जितने भी अधिकारी हैं वो सारे साइट के अंदर मौजूद हैं। कोई भी अधिकारी जो है वो साइट के बाहर आया नहीं है। जैसे ही वो आता है हम उनसे और जानकारी लेने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी का जो अपडेट है वो यही क्रूशियल अपडेट है कि कोशिश यही की जा रही है यहाँ पर कि जल्द से जल्द जो एक पैरेलल गड्ढा है वो यहाँ पर जो है वो बनाया जा सके, ताकि क्योंकि सात, जैसा कि मैंने बताया कि 7 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो यहाँ पर हो चुका है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो बच्चे तक पहुँचने की कोशिश की जाए। और ये मुमकिन ये भी है कि और भी अगर मशीनरी की जरूरत होती है तो और भी मशीनरी जो है वो यहाँ पर और बुलाई जा सकती है। तो फिलहाल का जो अपडेट है वो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एनडीआरएफ के जवान जो है उन्होंने ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया है और जल्द से जल्द उनकी कोशिश यही है कि एक पैरेलल गड्ढा खोद करके बच्चे तक कॉन्टैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए और बच्चे तक जो है वो जल्द से जल्द पहुंचा जाए। और कहीं ना कहीं उतना लंबा, क्योंकि गड्ढा जो है वो जिस गड्ढे में बच्चा गिरा है वो 40 से 50 फीट गहरा है, तो उतना गहरा। उम्मीद यही है कि ये कोशिश कामयाब हो और इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। बिलाल आपका बहुत धन्यवाद अपडेट्स पहुंचाने के लिए।